नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों, आज अपन बात करेंगे मलेशिया से रिलेटेड। आप भाइयों ने क्वेश्चन किए थे, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज आने वाली नई जानकारी आपको मिल सके, जिससे आपको घर बैठे लाभ मिल सके। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। मनोज साहब बोलते हैं, सर क्या मलेशिया का आज़ाद वीज़ा मिलता है, और मिलता है तो कितना खर्चा पड़ेगा और उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है? भैया, मलेशिया का आज़ाद वीज़ा वैसे कोई वीज़ा नहीं होता, A2B वीज़ा में आप काम कर सकते हो, या फिर आप DP10 वीज़ा सेकेंड थर्ड कैटेगरी का ले सकते हो। उसमें एक आधार टाइप का काम होता है, पासपोर्ट जेब में काम अर्जी काम करो, उसका वीजा लगभग 2.5 से 3 लाख लगता है DP10 का, और इसमें 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में आ जाता है। मनोज कुमार साहब बोलते हैं, सर मेरा एक सवाल है कि मलेशिया का 2 साल का परमिट में आज़ाद वीज़ा मिल रहा है क्या, और उसमें जिसमें इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा क्या? देखिए भैया, वीज़ा अगर है तो प्रॉब्लम क्रिएट किस बात का? अगर आपके पास वीज़ा लेके जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, विजिट में भी जाते हो तो लीगल में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, इमिग्रेशन का उसमें कोई रोल ही नहीं होता, वीज़ा होना चाहिए आपके पास। विश्वनाथ बोलते हैं, सर मलेशिया के लिए बायोमेट्रिक एंड मेडिकल होने के बाद कितने दिन में ऑनलाइन शो हो जाएगा? भैया वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, मेडिकल बायोमेट्रिक होने के बाद कितने दिन में आपका वीज़ा ऑनलाइन होता है। वैसे 45 डेज का टाइम होता है, 45 डेज में आपका काम हो जाना चाहिए, बाकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है भाई, आगे मनप्रीत सिंह जी बोलते हैं, सर टूरिस्ट वीज़ा में मलेशिया जाते हैं तो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ज़्यादा सवाल तो नहीं करते? बिल्कुल करते हैं भैया, वो अचेहरा पढ़ लेते हैं कि ये बंदा घूमने वाला है या विजिट वाला है। ठीक है, वो सवाल कर सकते हैं, कहाँ से आए हो, क्या काम करते हो, आके कहाँ जा रहे हो, क्या कहाँ रुकोगे, आपका टिकट, आपका होटल बुकिंग, इंग्लिश मनी शो वगैरह, कई रीज़न होते हैं। तो आप उनको सर्टिफाइड कीजिए, जो आंसर करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी दिक्कत हो भी सकती है, दोनों ही ऑप्शन होते हैं उसमें। सबाना ऐसा बोलते हैं, सर मेरे भाई ने मलेशिया के लाइट अप्लाई के लिए अप्लाई किया था, 65,000 चार्जर बोले थे, आफ्टर वीज़ा स्टॉपिंग के बाद देना है कहा, बट जॉब भी सेल्स काउंटर की है, लेकिन 6 मंथ व्यू स्टार क्या भैया वीज़ा रहेगा? अब मैंने 11 मंथ का वीज़ा रिन्यूअल करेगी कंपनी, ऐसा कहा है, 15 डेज का टाइम बताया, क्या रियल है प्लीज़ बताएं। भैया देखिए, आपने लिखा है 65,000 रुपये आप दे रहे हो, 6 मंथ का वीज़ा तो परमिट में कोई होता नहीं है, विजिट वीज़ा ही होता है, 11 महीने बाद रिन्यू करेगी तो ये तो कोई मतलब वाली बात नहीं। अगर 1 साल का वीज़ा यहाँ से लग के जा रहा है तो ही तो 11 महीने बाद रिन्यू होगा, अगर आप 6 महीने वाले तो वो विजिट वीज़ा है, 6 महीने का पासपोर्ट में स्टिकर जो लगा उसमें शो करेगा, लेकिन वो दिखाएगा मल्टीपल एंट्री वीज़ा, यानी आप 1 महीने बाद वहाँ नहीं रुक सकते, इंडिया आपको आना पड़ेगा। विक्रम गिल बोलते हैं, सर मलेशिया में हूँ, विदाउट परमिट रह रहा हूँ 4 साल से, मुझे मेरी GF गर्लफ्रेंड मलेशिया में है, उससे शादी करने के लिए क्या परमिट कौन सा चाहिए? भैया शादी करने के लिए परमिट की क्या ज़रूरत है? आप लीगल होने के लिए परमिट की ज़रूरत है, शादी तो आप यहाँ से विजिट में जाके 10 दिन में करके वापस इंडिया आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, परमिट होगा तो बेस्ट होगा। भैया इलीगल हो तो फिर दिक्कत है, कहाँ रुकोगे, इमिग्रेशन ने पकड़ लिया, इंडिया डिपोर्ट कर देगी, शादी अधूरी रह जाएगी, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। परमिट कोई भी हो, परमिट लो आप, परमिट का कोई इशू नहीं है कि ये परमिट होना चाहिए, कोई भी परमिट हो सकता है। राजदीप बोलते हैं, सर मेरे नाम संदीप है और मैं मलेशिया में टूरिस्ट वीज़ा पे आया था, मेरा सर्विस सेक्टर का वीज़ा लग सकता है क्या, प्लीज़ बताइए। भैया देखिए, इसमें 2 रीज़न है, डायरेक्टली कोई वीज़ा नहीं लगता, अगर आपका एजेंट कोई बढ़िया है, अच्छा एजेंट है, जो सेटिंग से आपका वीज़ा लगवा सकता है तो सर्विस सेक्टर का वीज़ा लग सकता है, बाकी नथिंग इम्पॉसिबल है। परमार सुनील बोलते हैं, सर मैंने मेडिकल मुंबई में किया था, मलेशिया का मेरा वीज़ा क्यों नहीं आया, 2 महीना हुआ है, एजेंट ने A2B वीज़ा के लिए बोला था, 3 लोग हैं, वीज़ा नहीं आया हमारा। भैया A2B वीज़ा तो किसी का नहीं आया, आपका क्या, 6 महीने से पूरी इंडिया बैठा है, किसी का ही नहीं आया A2B वीज़ा, इमिग्रेशन ही बंद है तो आपका कहाँ से आएगा, समझ रहे हो बात को, वेट करें, हो सकता है निकल जाए आ जाए। सर RM का मतलब क्या होता है? भैया RM का मतलब ये होता है जिससे इंडिया में RS रुपीज़ को RS बोलते हैं, वैसे वहाँ की रिंगट को RM बोलते हैं। ठीक है, वहाँ के जो पैसा है, जैसे 1 रिंगट है तो उसको RM बोलते हैं, वहाँ के पैसे को RM बोलता है, जैसे इंडिया में अपन RS बोलते हैं। ठीक है भाई, एक भाई हैं द पंजाब टाइगर रब, ये बड़े खतरनाक किस्म के आदमी हैं, और इसके माँ बाप ने शायद इनको इसीलिए जन्म दिया था कि बेटा तू तेरी ज़िंदगी में लोगों को गालियाँ देता रहा और गालियाँ सुनता रहा, क्योंकि जो आदमी ईंट की मारेगा उसको पत्थर का जवाब मिलता है। ये इतना हरामी आदमी है द पंजाब टाइगर, ये हर बार कमेंट करता है, मैं इसको आंसर देता हूँ। ठीक है, अब हो सकता है इस आदमी ने मुझे कॉल किया होगा, इसको ये नहीं पता 40,000 के करीब लोग जुड़े हुए हैं, तो 200-400 कॉल नॉर्मल मामूली बात है आ जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं भैया मैं कोई रोबोट तो हूँ नहीं कि टक टक से आप फ़ोन आते रहे, मैं आपका फ़ोन उठा के जवाब देता रहूँ, मैं आपका नौकर तो हूँ नहीं, आपने मुझे पैसे देते नहीं हो सर्विस के कि 5,000 रुपये सर जी आपको दे रखे हैं, आप हमें बराबर सर्विस दीजिए। ठीक है, आपका कॉल नहीं उठाया तो आपने कमेंट गंदे किए,
ठीक है, उसका रिप्लाई आपने ईंट मारी तो मैंने पत्थर के जवाब दे दिया, आपको पता है इस बात का, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो रिक्वेस्ट ये करूंगा इन ऐसे लोगों से बचे। ये है द पंजाब टाइगर रब, इसने नाम लिख रखा रब, रब के नाम पे तो कलंक है भाई, तू रब तो तेरे आसपास भी नहीं है, तेरे माँ बाप भी शायद इस सिस्टम में तेरे को डाला है कि बेटा तू गालियां दे और तेरा तू एक देगा तो अगले को तेरे को दो सुननी पड़े, समझदार होता तो इतनी गंदी गालियां तू देता नहीं, और मैंने भी तेरे को अच्छे से गालियां दी हैं तेरे को पता है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है भैया, हमदर्दी नहीं चाहिए। ठीक है, आप वीडियो कमेंट करते हो तो अपनी मजबूरी में करते हो, मेरे लिए नहीं करते, और मैंने तेरा कम से कम 5 से 6 कमेंटों का जवाब दिया है, अब ये नाम आया ना तब मुझे पता चला कि तो ये तू है, ठीक है ना, तो मेरे को एक बार कॉल कर ले, तेरा एक बार कॉल नहीं उठा इसका मतलब तू मुझे गाली देगा, गाली देगा तो एक गाली देगा 10 गाली सुनेगा, मेरा सिद्धांत वो नहीं है गांधी जी जैसा एक इधर मार मैं उधर मार ले, नहीं एक मारेगा तो 10 मारूंगा, सीधी बात है, समझ लेना। ठीक है भाई, कमेंट तो तू कर नहीं सकता, तेरे को ब्लॉक कर दिया मैंने, अब जरूरत नहीं है वीडियो भी मत देखना भाई, ठीक है ब्लॉक कर दे, अनसब्सक्राइब कर दे। आगे एक भाई हैं विक्रम गल, सर मैंने शादी करनी है मलेशिया लड़की से, आप प्रोसेस बता सकते हैं, मैं अभी मलेशिया में। बिल्कुल भैया शादी कर लो, शादी का कोई प्रोसेस नहीं होता, आपके पास वीज़ा है या टूरिस्ट में हो शादी कर लो, कोई मना ही नहीं है उसके लिए, कोई वैसे कुछ नहीं है, कोर्ट मैरिज करते हो कैसे करते हो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। सुरजीत मंडाल बोलते हैं पासपोर्ट मेरा फट गया, मैं अभी मलेशिया में हूँ, कैसे न्यू पासपोर्ट बनाए विथ वीज़ा नोट, मेरे साथ कंपनी का कोई कनेक्शन नहीं है। भाई अगर आपके पासपोर्ट में वीज़ा लगा हुआ है और आप पासपोर्ट फंस आपका फट गया तो आप इंडियन एम्बेसी में जाके आप अप्लाई कर दीजिए, वो दूसरा बन के आ जाएगा, वीज़ा लग के आ जाएगा, खर्चा जो आपका लगेगा वो आपको देना पड़ेगा, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साथियों ये आपके क्वेश्चन थे, मैंने आपको आंसर दे दिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब कर ले, अन्य को भी करवा दें ताकि उनको सही जानकारी सही मोटिवेशन इसी तरह से मिलती रह जाए। वंदे मातरम।